क्या आप अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं? क्या आप अपना वादा निभाते हैं? बहुत जल्दी इस बात का आंसर मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि शायद सच आपको सरप्राइज कर दे। जब मैं कहता हूँ कीप योर वर्ड, इसका मतलब है कि आप अपना हर काम उस समय से पूरा करते हैं जिसका आपने प्रॉमिस किया था। चलिए कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम अक्सर यूज करते हैं जब हम दूसरों को कुछ कमिट करते हैं। सबसे पहला, मैं आपको सोमवार को चेक भेजता हूं ना सर, मैं आपको कल ही प्रपोजल ईमेल करता हूं, मैं अगले हफ्ते आपको कॉल करूंगा और फिर हम लंच के लिए चलेंगे। चलिए मान लेते हैं कि आज मंडे है और आपने आज ये अपने तीनों स्टेटमेंट्स को यूज किया। आपने पहली स्टेटमेंट के लिए अपने प्रॉमिस को रखा अगर आपने मंडे को ही चेक भेज दिया। अगर आपने ट्यूसडे या वेंसडे को भेजा, इसका मतलब ये है कि आपने बात को वैल्यू नहीं कर पाए। अगर आपने मंगलवार की शाम तक प्रपोजल को ईमेल नहीं किया तो भी आपने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट के लिए हम में से ज़्यादातर लोग ये मानेंगे कि हम अक्सर ये कह दिया करते हैं, हम अक्सर कहते हैं कि चलो लंच पर मिलते हैं, कभी हमारे यहाँ आइए, जबकि हमें ये मालूम होता है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब ये बात सुनने के बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग अपने आप से ये कह रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने मंडे की जगह ट्यूसडे को चेक भेज दिया या वेंसडे को चेक भेज दिया, और क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने ट्यूसडे की जगह फ्राइडे को प्रपोजल ईमेल किया। लेकिन बहुत बड़ी बात यह है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए बहुत छोटी बात हो, लेकिन दूसरे इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है और इसके बहुत ज़्यादा खराब परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन सभी कॉन्सिक्वेंसेस की जो हमारे एक रॉन्ग स्टेटमेंट या रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से हो सकते हैं। सबसे पहला, हर एक गलत स्टेटमेंट आपके ऊपर एक सवालिया निशान लगाती है। रिलायबिलिटी की जो पावर है उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए। लोग ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो वही करते हैं जो वो अक्सर कहते हैं। अब जब आप छोटी छोटी बातों पर फेल हो जाते हैं तो लोगों को लगता है कि आप बहुत बड़ी या ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग आप पर भरोसा खोने लगते हैं। जो चीज़ आपकी नज़र में बहुत छोटी है, हो सकता है किसी इंसान के लिए वो बहुत बड़ी बात हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने प्रपोजल ट्यूसडे की जगह वेंसडे को भेज दिया तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई, लेकिन आपके क्लाइंट के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। हो सकता है कि उसके पास पहले से ही दो प्रपोजल आए हुए हैं और वो आपका प्रपोजल फाइनल प्रपोजल हो जिसे वो देखना चाहते हैं। आपने बोला था कि आप ट्यूसडे तक अपना प्रपोजल भेज देंगे, तो उन्होंने सोचा कि ट्यूसडे इवनिंग तक या वेंसडे मॉर्निंग तक वो सब कुछ फाइनल कर देंगे। जब आपका प्रपोजल टाइम पर नहीं आता है तो क्लाइंट तो आपके लिए रुकेगा नहीं और वो अपना डिसीजन आपके प्रपोजल के बिना ही ले लेगा। साथ ही साथ आपने जो वेंसडे का सारा दिन था वो प्रपोजल बनाने में बर्बाद कर दिया जो अब किसी काम का नहीं है। एक चीज हमेशा याद रखिए कि एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट कभी भी आपको अपने प्लान का पता नहीं लगने देगा, चाहे आप कितना भी पता लगा लें। कितनी भी रिसर्च करने के बाद आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए अपने प्रॉमिस को देर से पूरा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा पॉइंट, कभी कभी हम अपने प्रॉमिस से होने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स को अनदेखा कर देते हैं। आफ्टर ऑल, लोग हमारे प्रॉमिस के बेसिस पर और हमारी स्टेटमेंट्स के बेसिस पर ही आगे का प्लान बनाते हैं, और अगर हम उन्हें ही लेट डाउन कर दें तो वो भी आगे वही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे कर्जदार मुझे पैसे के लिए दबाव डाल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप ही ने तो कहा था कि आप मंडे को चेक दे देंगे और मैंने मान लिया, और मैं मंगलवार को आपका चेक डिपॉजिट करके बुधवार को उन लोगों को पैसे दे दूंगा। लेकिन जब आपका चेक मंगलवार तक नहीं आया तो मैं आगे किसी को क्या जवाब दूं? जो इस तरह की सिचुएशंस होती है ना, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होती हैं। जब आप अपना प्रॉमिस पूरा करते हैं तो उन लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाती है जो आप पर भरोसा करते हैं। हमेशा याद रखिए, यू हैव टू बी अ स्ट्रेस रिड्यूसर, नॉट अ स्ट्रेस प्रोड्यूसर।